हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी मैं यहाँ पर 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पर्ल डिक्शनरी, ये चार मेजर टॉपिक थे जिनके एक एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने क्लास 11th में। तो वो यहाँ पर चैप्टर 2 में, रिवीजन 2 चैप्टर में है। तो ये आपको इसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज स्ट्रिंग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंस है इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में लिखिए, क्योंकि स्ट्रिंग बेस्ड, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये चारों टॉपिक बेस्ड कई सारे आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग क्वेश्चन और भी कई प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, आएंगे आगे भी। तो शैल वी स्टार्ट नाउ? एक दो मिनट का पॉज इसलिए ले रहा हूँ ताकि और जो स्टूडेंट्स ऐड होना चाह रहे हैं वो ऐड हो पाए और साथ में मैं आपके कमेंट भी देख पाऊँ, इसलिए मैंने साइड में आप ओके। तो शुरू करते हैं बेटा। स्ट्रिंग, एक बेसिक सी चीज जिनको स्ट्रिंग के बारे में पता नहीं है, बता दूं मैं। स्ट्रिंग क्या है? एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा रखने के लिए पाइथन में एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। जैसे हमको कोई नेम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, कोई मैसेज स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो वो मैसेज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का होगा। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में सब कुछ आ सकता है, अल्फाबेट्स, स्पेस, स्पेशल सिंबल, डिजिट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट, सिंबल, स्पेस, ये होता है स्ट्रिंग। एक सामने एग्जाम्पल भी आपका स्क्रीन पर देखेंगे आप, आई लव माई इंडिया, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, आई लव माई इंडिया। ये स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको असाइन किया एक वेरिएबल में जिसका नाम है str। ठीक है, वेरिएबल नेम str है और उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की हुई है, हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की हुई है आई लव माई इंडिया। क्या टर्म यूज होगी इसके लिए? दिस इज लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, हमेशा हम इसको कोट्स में मेंशन करते हैं, जिसकी वैल्यू हमने एक वेरिएबल में असाइन किया str में। आपको 11th क्लास की एक और छोटी बात याद दिला दूं मैं कि डबल कोट्स में स्ट्रिंग मेंशन होता है। इसके अलावा ट्रिपल कोट्स भी यूज किया था जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी अलाउड है पाइथन में, इसके लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना है, इसके दो तरीके हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। एक तो डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग वैल्यू आपने टाइप करके असाइन कर दिया वेरिएबल में, RHS में राइट हैंड साइड में दिख रहा आई लव माई इंडिया, जो वेरिएबल str में स्टोर हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट पर ही जब पाइथन खोलेंगे आप इसको आउटपुट में देखेंगे तो इट विल शो आई लव माई इंडिया, मतलब जो असाइंड वैल्यू वो डिस्प्ले हो गई। इसके बाद दूसरा तरीका स्ट्रिंग क्रिएट करने का कि हम यूजर से इनपुट लेकर स्ट्रिंग स्क्रीन पर शो करें। यूजर से इनपुट लेने का फंक्शन तो है इनपुट फंक्शन, हमने इनपुट यूजर से लेने के लिए str1 इक्वल इनपुट एंटर स्ट्रिंग मैसेज लिखा। तो ये मैसेज ऑप्शनल है, कोई भी मैसेज दिया जा सकता है यहाँ पर फंक्शन कौन सा रहेगा? इनपुट। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट ही करता है। तो जब ये लाइन रन होगी कमांड प्रॉम्प्ट पर, ये लाइन लिखी हुई, जैसे हम एंटर दबाएंगे तो ये कंप्यूटर हमसे इनपुट लेगा स्ट्रिंग का, एंटर स्ट्रिंग, इट विल आस्क अस फॉर इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग, इट विल शो अ मैसेज एंटर अ स्ट्रिंग। इसके सामने हम टाइप करेंगे ये मैसेज, जब हम कोई मैं स्ट्रिंग टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप किया हुआ यहाँ पर दिस इज पाइथन, तो ये दिस इज पाइथन स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू किस में स्टोर हो गया? str1 में। अगली कमांड में हमने टाइप किया str1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, देन कंप्यूटर विल शो दिस इज पाइथन। सिंपल सी बात बेटा, यूजर से इनपुट लिया, str1 में स्टोर किया और उसके बाद वही str1 की वैल्यू शो कर दी। ये बेसिक सी चीज क्लास 11 का स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके, बाय असाइनिंग एंड बाय यूजर इनपुट। आगे जा रहे हैं बेटा, कोई डाउट है इसमें स्ट्रिंग को लेकर? बेसिक चीज में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट। ट्रेवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग, बेटा ट्रेवर्सल एक वर्ड, ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सल, आगे भी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत टर्म यूज होगी। ट्रेवर्सल माइंड में एक डेफिनेशन फिट कर लीजिए। ट्रेवर्सिंग मतलब क्या? जब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है ना,
स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ही है। कैसे? बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन। एक स्ट्रिंग में आप देखेंगे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जब भी किसी कलेक्शन पे वर्क करते हैं तो उसमें कॉमन सी चीज आती है, ट्रेवर्सल। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात ही है। ट्रेवर्सल क्या है? टू विजिट ऑन ईच पोजिशन ऑफ दिस कलेक्शन एंड प्रोसेस इट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। जैसे स्ट्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आपने वर्ड टाइप किया सुपर्ब, जैसे एक वर्ड है सुपर्ब। इस सुपर्ब वर्ड में कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं? 6 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। एक एक पोजीशन तक पहुंचना, कंप्यूटर को एक एक पोजीशन पर पहुंचकर रीड करवाना, एस यू पी ई आर बी, इट इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का पर्पस क्या है? हर एलिमेंट तक पहुंचना और उसको जैसा चाहे वैसा यूज करना, उसको शो करना, उसको कहीं स्टोर करवाना, कहीं अलग से प्रोसेस करवाना। तो ये सारे काम में एक बेसिक सी चीज यूज होती है, ट्रेवर्सिंग। तो एक ट्रेवर्सिंग का प्रोग्राम है जिसके लिए एक स्पेशल फॉर लूप यूज किया हुआ है। 11th क्लास में भी देखा होगा आपने कि कलेक्शन के लिए फॉर लूप का एक स्पेशल फॉर्मेट है। फॉर वेरिएबल नेम इन कलेक्शन, सिंटेक्स याद रखिएगा बेटा, प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट होते हैं सिंटेक्स। मैंने जो लाइन हाईलाइट किया उसका सिंटेक्स क्या है? फॉर वेरिएबल इन कलेक्शन। जैसे स्ट्रिंग में आप कोई ट्रेवर्सिंग करवाना चाहते हैं तो एक लाइन में काम हो जाएगा, लूप का स्टेटमेंट एक ही लाइन का, फॉर वेरिएबल नेम इन कलेक्शन। तो यहां हमने वेरिएबल नेम अपनी मर्जी से लिया सी एच, आप कोई सा भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। हमने एक वेरिएबल नेम लिया सी एच और हमारा कलेक्शन क्या है? स्ट्रिंग कलेक्शन है जिसका नाम है नेम। ऊपर नेम स्ट्रिंग में सुपर्ब स्ट्रिंग लिटरल असाइन है, नेम की वैल्यू है सुपर्ब, नेम स्ट्रिंग की वैल्यू है सुपर्ब। अब हम इस नेम स्ट्रिंग पे जो जो कैरेक्टर से उसको ट्रेवर्स करने जा रहे हैं तो उसके लिए लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप, फॉर सी एच इन नेम, फॉर सी एच इन नेम। इससे होगा क्या? इंटरनली इससे ये होगा, इस स्ट्रिंग नेम का एक एक कैरेक्टर जो है सी एच में आएगा। सबसे पहले एस आएगा सी एच में, उसके बाद आएगा यू, सी एच की वैल्यू बन जाएगी यू, फिर थर्ड टाइम सी एच की वैल्यू बन जाएगी पी, उसके बाद सी एच की वैल्यू बन जाएगी ई, और फिर आर, और फिर बी। इस तरीके से ये लूप की वजह से, इस लूप लाइन की वजह से नेम स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर स्कैन होगा, सी एच में स्टोर होगा। सी एच की फर्स्ट वैल्यू एस, तो प्रिंट करेंगे जब तो एस प्रिंट होगा। उसके बाद हमने कुछ एडिशनल चीजें भी प्रिंट करवाई है, एस के आगे डैश भी लग जाएगा, और जो भी अगली चीज प्रिंट होना है वो कंटिन्यूशन में प्रिंट हो इसलिए एंड इक्वल भी लगा दिया है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, एस डैश पहली बार, फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ तो आउटपुट में आया एस डैश। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर यू, यू स्टोर हुआ है सी एच में, यू डैश, एस के एस डैश के बाद यू डैश आ गया स्क्रीन पर। उसके बाद पी, तो सी एच में पी डैश, और उसके बाद ई डैश, फिर आर डैश, और फिर बी डैश, जैसा कि दिख रहा है साइड में आउटपुट प्रिंटेड स्क्रीन पर। तो ये आउटपुट, फाइनल आउटपुट विल बी सुपर्ब। स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग के लिए फंक्शन है, तो स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग का फंक्शन जो है सुपर्ब, किस तरीके से प्रिंट हुआ? एस डैश यू डैश पी डैश। तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप का सिंटेक्स कहीं पर यदि साइड में नोट करते जा रहे हैं तो एक एक लाइन का सिंटेक्स जरूर रख लीजिए। यदि 11th क्लास में नहीं याद रहे तो इस बार तो जरूरी याद रखना, फॉर वेरिएबल नेम इन कलेक्शन। अब कलेक्शन की जगह लिस्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। ये कलेक्शन जो है कोई सा भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है, जहां पे अभी हमने स्ट्रिंग यूज किया है ना नेम, यहाँ पर कोई भी टाइप का कलेक्शन हो सकता है। ये कलेक्शन बेस्ड फॉर लूप है, तो फॉर सी एच इन नेम से ट्रैवर्सिंग हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद एक इसी ट्रैवर्सिंग को रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए, अभी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रैवर्सिंग थी कि जिसमें हमने फर्स्ट पोजिशन एस से लेके लास्ट पोजिशन तक के सारे कैरेक्टर को वन बाय वन फेच किया, फेच मतलब रीड किया और उनको स्क्रीन पर शो किया। नाउ वी आर going to perform a traversing in reverse order।
हम रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना चाहते हैं, मतलब ये कि स्ट्रिंग में सबसे पहले हम पिक करेंगे एलिमेंट लास्ट लेटर को, देन सेकंड लास्ट लेटर को, देन थर्ड लास्ट लेटर को, देन फोर्थ लास्ट लेटर, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूशन रहेगा स्टार्ट फ्रॉम लास्ट पोजिशन डाउन टू फर्स्ट पोजिशन। तो इसके लिए वही प्रोसीजर है, अभी थोड़ा सा चेंज, आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए इस बार डायरेक्ट असाइन ना करते हुए यहाँ क्या कर दिया हमने, यहाँ स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले लिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हैं समझने के लिए, पर एक डिफरेंस डिफरेंट मेथड आ जाए, इसलिए इस बार इनपुट कर लिया यूजर से स्ट्रिंग, मतलब जैसे ही प्रोग्राम रन होगा हमसे स्ट्रिंग इनपुट होगी, जैसे ही एंटर स्ट्रिंग का मैसेज आएगा, तो हमने सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट किया हुआ है संजीव, SNJEE, ठीक है। उसके बाद अच्छा मेरे को बीच में रूपल ने एक मैसेज लिखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूं अभी, कि सर अगर बस CH- प्रिंट करते तो क्या होता, इसी क्वेश्चन में डाउट पूछा था। ये CH- लिखते बेटा और उसके आगे ये एंड इक्वल यदि नहीं लिखते हम, तो इसका आउटपुट कैसा आता, S- उसकी अगली लाइन में U- उसकी अगली लाइन में P- फिर E- फिर R- और फिर B-, इस तरीके से लाइन बाय लाइन आउटपुट आता। ये एंड इक्वल लिखने की वजह से एक ही लाइन में आउटपुट मिला है, ठीक है बेटा रूपल आगे जा रहे। तो ये रिवर्स ऑर्डर की स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट किया हमने, ये एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट किया हुआ है। उसके बाद अच्छा और कुछ डाउट्स हैं, इफ यू वांट द आउटपुट नॉट इन कंटिन्यूअस, वी वांट टू प्रिंट ईच कैरेक्टर इन नेक्स्ट लाइन, व्हाट विल बी द कमांड। हाँ यही मैंने आंसर दिया बेटा, ये मंजू ने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर रूपल के आंसर से मैच हो रहा है, कि केवल एंड इक्वल ना लिखें तो लाइन बाय लाइन आउटपुट, ठीक है मंजू। ओके यदि आंसर मिल गया हो तो प्लीज यस टाइप कर दें। ओके बेटा अब उसके बाद लेंथ, देखिए रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग का लॉजिक पहले समझ लीजिए, इतनी कोडिंग को एक बार में पढ़ोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन होगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा। टोटल स्ट्रिंग में कैरेक्टर कितने हैं, टोटल कैरेक्टर 6 हैं। एक चीज मैं याद दिला दूं, हर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग होती है, फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्स होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एक रिवर्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है जो -1 से शुरू होती है राइट हैंड साइड से, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम यहां समझ लीजिए कि ये जो इंडेक्स है, इस राइट टू लेफ्ट यदि इंडेक्सिंग देख रहे हैं, तो ये बैकवर्ड इंडेक्स ये -1 होगी, ये -2 होगी, इस कैरेक्टर की इंडेक्स -3 होगी, और इसकी -4, -5, -6। बैकवर्ड इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड से शुरू होती है, राइट हैंड साइड से -1 से शुरू होती है, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रिंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है लूप में, ये हमारा नॉर्मल इंडेक्स बेस्ड फॉर लूप यूज किया है इसमें, कैसे, फॉर ए इन रेंज -1, माइनस लेंथ -1, -1। आपको एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा, हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है संजीव, संजीव की लेंथ निकलने जाएंगे तो कितनी लेंथ आएगी, 7, 7 कैरेक्टर है ना इसमें, 3, 3, 6 और +1, 7, तो लेंथ की वैल्यू होगी 7। लूप विल स्टार्ट फ्रॉम -1, कहां से शुरू होगा लूप, -1 से, -1 इंडेक्स मतलब राइट मोस्ट कैरेक्टर, अपने सीधे हाथ का सबसे कोने का कैरेक्टर से शुरू होगा, संजीव का V से शुरू होगा, -1 से लूप शुरू होगा, इस इंडेक्स से -1 मतलब V से शुरू होगा लूप। कहां तक जाना है बेटा, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं अब, तो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, -लेंथ -1, -लेंथ -1 का मतलब क्या हुआ, लेंथ तो है हमारी 7, -7 -1 हो गया -8, और ये रेंज फंक्शन में आपको पता ही है -8 है उससे एक कम, आ रही बात समझ में, तो ये -लेंथ -1 जो है इससे एक कम, ऑटोमेटिकली ये कहां तक जाएगा, -7 तक जाएगा, इसके बाहर -1 लगेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू के बाहर जो वैल्यू आई इससे लेंथ -1 उसके आगे -1, तो ये -7 होगा। तो ये str सबसे पहला str -1 v शो करेगा, फिर str-2 e शो करेगा, str-3 e शो करेगा, str-4 j, str-5 n, str-6 a,
str माइनस 7s। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट विल बी वी डबल ई जे एन ए एस। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग डिस्प्ले हो पाएगी। तो ये रिवर्स ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के लिए था, ठीक है। अभी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर जा रहे हैं हम। कोई डाउट हो तो लिखते जाइएगा कमेंट में। बीच बीच में मैं देख पा स्क्रीन दो अलग अलग मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स देख पाऊंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है कि जैसे हम मैथ्स के नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्स्ट्रैक्शन, एडिशन, ये कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं है। स्ट्रिंग के साथ सिर्फ दो ऑपरेशन मेन अलाउड है, वो है प्लस और स्टार। मतलब स्ट्रिंग के साथ में हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, वो है प्लस और यह है स्टार। प्लस यहाँ पे एडिशन का प्लस नहीं बोला जाए इसको, बेटर इसके लिए वर्ड यूज किया जाए ज्वाइन ऑपरेटर। प्लस जो है ज्वाइन ऑपरेटर। इसके कुछ एग्जांपल बड़े सिंपल से सामने क्लियर करके आपको दिए हुए। जैसे टी प्लस पॉट दो स्ट्रिंग वैल्यू है, दो स्ट्रिंग वैल्यू में यदि बीच में प्लस लगाया तो इट विल कंबाइन, इट विल कॉन्केट दीज टू स्ट्रिंग्स। हियर रोल ऑफ प्लस इज टू कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग, देन वी विल गेट फाइनल आउटपुट टी पॉट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लग गया तो यह टी पॉट। अब एग्जाम में कहीं किस तरीके से यूज हो सकता है आप सुनना ध्यान से। एस वन इक्वल टी, एस टू इक्वल पॉट, नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट एस वन प्लस एस टू, क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रिंट एस वन प्लस एस टू क्या हो गया, टी पॉट। मतलब वेरिएबल में असाइन करने के बाद स्ट्रिंग वेरिएबल को भी प्लस किया तो भी आउटपुट कंबाइंड होके मिलेगा। यदि दो स्ट्रिंग वेरिएबल है उनके बीच में प्लस भी लगा दिया तो वो दोनों स्ट्रिंग कंबाइंड हो जाएगी। उसके बाद वैसे यहां पे ये वन और ये टू, क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, दीज आर नॉट न्यूमेरिक लिटरल, दीज आर स्ट्रिंग लिटरल। व्हाई? क्यों? बिकॉज दीज आर कोटेड इनसाइड डब्स, कोट्स अंदर लिखे गए ना, इस वजह से ये न्यूमेरिक नहीं कहलाएंगे, ये स्ट्रिंग कहलाएंगे। न्यूमेरिक कब कहलाती है? जब डायरेक्ट वन लिखते विदाउट कोट्स तो ये न्यूमेरिक वैल्यू मानी जाती है, डायरेक्ट टू लिखते विदाउट कोट्स तो न्यूमेरिक माना जाता है। अब ये कोट्स में है तो वन प्लस टू आउटपुट में 12। बगैर कोट्स के वन प्लस टू होता तो वन प्लस टू थ्री हो जाता, एडिशन हो जाता, पर ये वन प्लस टू दोनों स्ट्रिंग है इसलिए कंबाइंड हो रहे, कॉन्केट हो रहे, ज्वाइन हो रहे। उसके बाद तीसरा भी केस सामने है कि वन टू थ्री एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग माना जाएगा क्योंकि कोर्ट्स में मेंशन है, स्ट्रिंग लिटरल है ये। दूसरा स्ट्रिंग लिटरल है एबीसी, तो वन टू थ्री प्लस एबीसी, वन टू थ्री एबीसी, क्लियर। हाँ, अभी इसमें क्या नहीं हो सकता वो नहीं लिखा, तो वो फर्स्ट में बता दू, वन टू थ्री बगैर कोर्ट्स के लिखा है अज्यूम कीजिए, और एबीसी कोर्ट्स में ही लिखा हुआ है, एबीसी इन्वर्टेड कोर्ट्स में प्लस उसके आगे वन टू थ्री लिखा है विदाउट कोर्ट्स, तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? बिकॉज यहां पर दो इन दो डेटा टाइप के मिसमैच का केस है बेटा। ये एक स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में ऐड नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ में ऐड नहीं कर सकते, तो ज्वाइनिंग ऑपरेशन में जरूरी क्या है, दो स्ट्रिंग्स ही होना, क्लियर। उसके बाद आगे जा रहे हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट। स्टार नेक्स्ट ऑपरेटर जो है स्टार, स्टार का रोल है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन से मतलब क्या है कि सपोज एक स्ट्रिंग की वैल्यू यहां पर एक हमने न्यूमेरिक वैल्यू ली 5 और एक स्ट्रिंग वैल्यू ली एट द रेट, तो रेप्लिकेशन का मतलब ये कि एक स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करवाना है n टाइम्स, तो उसके लिए हम लिखते हैं n इंटू स्ट्रिंग। तो जैसे यहां पर भी क्या हुआ है 5 स्टार a, मतलब ये कि एट द रेट को 5 टाइम रेप्लिकेट किया,
ये 5 टाइम रेप्लीकेशन में आउटपुट आ गया। गो एक्सप्लेनेशन मार्क, ये स्ट्रिंग है हमारी जिसको कोट्स में कोट किया हुआ है, इनटू 3, तो ये 3 टाइम आउटपुट में आ जाएगा, गो 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 रेप्लीकेशन। अब इसमें क्या नहीं हो सकता, एरर का केस समझ लीजिए कि स्टार ऑपरेटर लगा है तो दो में से एक ऑपरॉन स्ट्रिंग होना, दूसरा ऑपरॉन एक इंटीजर वैल्यू होना तो ही अलाउड है। यदि स्टार में दोनों ही स्ट्रिंग ले लिए तो एरर होगा, जैसा यहां पे मेंशन किया हुआ है, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में स्टार लगा दिया तो इट इज एन इनवैलिड। वैसे ही ऊपर वाला केस को भी कनेक्ट करके देख लीजिए कि यहां प्लस के लिए दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग होना चाहिए, ये जरूरी है, दो स्ट्रिंग के बीच में ही प्लस अलाउड है, और स्टार ऑपरेटर एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए तो अलाउड है। इनमें से कुछ भी रहा तो उस केस में एरर होगा। तो यहां तक कोई डाउट? हाँ, अभी यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है तनुदीप ने, तो यस बेटा ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ये नेहा मैडम ब्रिलियंट कंप्यूटर टीचर, संजीव सर इनके कुछ पीपीटीज में यूज कर रहा हूँ बेसिक रिविजन टूर के लिए, और भी जो अच्छा कंटेंट होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, पर इसमें और भी कुछ चीजें एड ऑन होंगी, ठीक है। और आगे जा रहे हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज अपना कमेंट लिखिएगा, तो हम जल्दी इस रिविजन टूर को कम्प्लीट करके फ्रेश टॉपिक्स पर पहुंचे फिर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सामने स्क्रीन पर है जिसको बहुत ही अच्छे से समझ के लिए जरूरी है। तो अब ये देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन, अभी तक जितने भी सैंपल अवेलेबल हुए हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही रहा है, ये लास्ट ईयर बोर्ड के जितने आपके सीनियर बैच के जितने प्री बोर्ड के अलग अलग रीजन के पेपर है उनमें भी स्लाइसिंग का कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहा है, पार्ट रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या है, टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में से उसका एक कोई पोर्शन निकालना, इसके लिए इसको कहा जाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब ध्यान से सुन लीजिए सभी कि स्लाइसिंग क्या है। स्लाइसिंग का मतलब है बेटा कि एक स्ट्रिंग में से उसका कोई पोर्शन निकालना, ठीक है। स्ट्रिंग का पोर्शन स्लाइसिंग के लिए करने के लिए हम सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सुन सुन के मैं इतना बार रिपीट करता हूँ, मेरी एक आदत है कि सुना सुना के याद करवाने की कोशिश करता हूँ, मेरा पर्पस उसमें बस यही है, बार बार रिपीट में इसलिए करता हूँ ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए, ठीक है। तो सुनिए बेटा, एक सामने स्ट्रिंग हमने लिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके एक एक कैरेक्टर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, और इसमें दोनों चीजें दिखाई दे रही है बेटा, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नीचे बैकवर्ड इंडेक्सिंग दिखाई दे रहा है -1, 2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहलाता है और लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहलाता है। हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इस पर डिफरेंट टाइप की स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग करने के पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहां पर स्लाइसिंग करते समय उसका सिंटेक्स याद रखिएगा, मैं सिंटेक्स साइड में टाइप कर देता हूँ, वो सिंटेक्स जरूर ध्यान में रखिएगा तो ईजी रहेगा आपके लिए। जब भी स्ट्रिंग में से कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना हो तो स्लाइसिंग का सिंटेक्स ये है, str इनवर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट वैल्यू, देन स्टॉप, देन स्टेप। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये सिंटेक्स पर बेस्ड सारा काम होने जा रहा है अभी, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्लाइसिंग करना होता है किसी स्ट्रिंग से उसका एक पोर्शन निकालना होता है, एक सबसे आसान से एग्जांपल से पहले शुरू कर लें तो आपको इजी रहेगा। मेरे को चाहिए इस स्ट्रिंग में ये इंडेक्स 2 का, जो ऊपर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्स 2 का लेटर जो एस है
एस से लेके कहां तक के लेटर चाहिए, एन तक के चाहिए, SPON निकालना है मेरे को, इस स्ट्रिंग में से कितना निकालना है, SPON। क्वेश्चन क्लियर है कि हमको स्ट्रिंग का इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 5 तक का लेटर निकालने हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए स्लाइसिंग का सिंटेक्स, स्लाइसिंग स्टेटमेंट क्या होगा, हम स्लाइसिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम str। कहां से शुरू करना है बेटा, जो हमको चाहिए वो इंडेक्स 2 से शुरू करना है, तो यहां पर लिखा हमने 2। कहां तक, यहां गड़बड़ हो जाती है, अपर माइनस 1, यहां भी वही रूल काम कर रहा है स्टॉप के लिए, तो अपर माइनस 1 ये है तो 5 का लेटर, पर लिखेंगे यहां पर 6, और उसके बाद स्टेप साइज देंगे 1 का। अब इसके बाद यहां पर स्टार्ट 2 से किया, ये 6 क्यों लिखा, वही रेंज फंक्शन का सिचुएशन यहां पर भी है, अपर माइनस 1 मेंशन करना होता है, और उसके बाद स्टेप साइज कितने का, 1 का, मतलब इंडेक्स 2 से शुरू होगा एस, फिर पी, फिर ओ, फिर एन। ये 1 काम क्या कर रहा है कि 2 के बाद अगली इंडेक्स प्लस 1 होके 3 मिलेगी, फिर प्लस 1 होके 4 मिलेगी, फिर प्लस 1 होके 5। यदि थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, अभी तो SPON मिलेगा आउटपुट, 261 से SPON मिलेगा, पर यदि यहां पर मैं इसको कर देता हूं 11, तो कहां तक का आउटपुट आ जाएगा, यस टाइप कीजिए कमेंट में। शायद कम्युनिकेशन डिले है, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ और उसको आप तक पास ऑन होने में गैप रहता है, मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट होने में कुछ 3-4-5 का गैप होता है बेटा। तो यहाँ 2:11 मेंशन किया, तो आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल सही, अभी रीना ने सही लिखा है, यश ने सही लिखा है, अमन ने एक कैरेक्टर क्यों छोड़ दिया, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई अमन से। तो ये कहां तक जाएगा, 11 मेंशन किया तो L तक जाएगा बेटा, यानी इंडेक्स 10 तक जाएगा, करेक्ट। तो SPON SIBIL यहां तक आउटपुट आएगा, ठीक है, जो सिलेक्ट किया हुआ SPON SIBIL तक आउटपुट आएगा, ओके। उसके बाद आगे जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आया कई सारे स्टूडेंट्स के। अब आगे हम जा रहे हैं, तो यही एग्जांपल दिखता है। हाँ, दूसरी चीज जो अभी इसमें आगे नहीं मिल पा रही, वो पहले ही मैं आपको करके कि बेटा यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, स्टेप साइज, कि स्टेप साइज 1 लिखा है तो लिखना, बिल्कुल सही है, निधि ने भी सही आंसर दिया कि यहां पर यदि 1 है तो कंपलसरी इस पार्ट को हम ओमिट भी कर सकते हैं, यदि स्टेप साइज मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट विल अज्यूम एज 1, पर अभी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। हाँ, अब मैंने 1 को चेंज किया, इसको कर दिया 2। स्टेप साइज 2 होने का मतलब क्या, स्टेप साइज 2 होने का मतलब ये शुरू करना है आपको स्लाइसिंग इंडेक्स 2 से, जाना है 11 तक, बट बीच में स्टेप साइज 2 का मतलब ये कि 2 के बाद अगली इंडेक्स कौन सी पिक करेंगे आप, 4, 4 के बाद अगली इंडेक्स 6, 6 के बाद अगली इंडेक्स 8, 8 के बाद अगली इंडेक्स 10, तो 11 तो आएगा ही नहीं। तो यहां पर आउटपुट तब क्या हो जाएगा, तब आउटपुट यदि ये यूज किया कि इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा, एस, उसके इसमें आउटपुट हो जाएगा एस पी, नहीं आएगा, सीधा आएगा ओ, उसके बाद एन नहीं आएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर आई नहीं आएगा, बी आ जाएगा, और उसके बाद सीधे एल आ जाएगा, यदि हमने यूज किया इंडेक्स साइज स्टेप साइज 2, तो उस केस में
SOSBL, बीच में गैप आएगा क्या? नहीं, वो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, वो जस्ट आपके समझने के लिए था। आउटपुट तो सीधे सीधे ऐसा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में यदि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे बोला इसका आउटपुट लिखो, तो आपको फिर एग्जैक्टली ये लिखना पड़ेगा विदाउट स्पेस, क्योंकि स्लाइसिंग होके आपके सामने बिल्कुल सही। रीना, सागर, अमन, बिल्कुल सही, इन लोगों ने सही आंसर लिखा। तो SOSBL यही आउटपुट होगा। ठीक है बेटा, अब और भी कुछ चीजें हैं, बहुत वैरायटी है इस क्वेश्चन में, जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। तो इसमें हाँ, और एक और चीज मैं बता दूं कि डिफॉल्ट वैल्यूज इनकी क्या क्या है। स्टार्ट डिफॉल्ट वैल्यू से मतलब यदि ये यूज नहीं किया तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0, यदि स्टार्ट मेंशन नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्टॉप मेंशन नहीं किया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, लास्ट अनवर्ड अप टू लास्ट, और स्टेप मेंशन नहीं किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, स्टेप मेंशन नहीं किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू तो आप माइंड में फिट कर लीजिए अभी के लिए, दीज आर डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, हाँ, अभी आर्यन का क्वेश्चन है माइनस इंडेक्सिंग, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बीच में कंफ्यूज हो जाओगे तो फ्लो में ही समझ लो, पॉजिटिव इंडेक्स और माइनस इंडेक्स का भी इसी पे एग्जांपल में आ रहा है, वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए, अब देखिए आप सामने ये जो बेसिक किया हमने उसके बेसिस पर वर्ड 0:14, तो 0:14, 0 से शुरू किया है, कहां तक जा रहा है, 14 तक। 14 तक मतलब 14 - 1 13 तक ही जाएगा, तो आउटपुट आएगा y। ठीक है, और उसके बाद 0:3 सब जगह मिसिंग है, तो हम स्टेप साइज डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं 1, तो 0:3 में आउटपुट res, 0:3 में आउटपुट आ रहा res। वर्ड 2:5, 2 से स्टार्ट करके कहां तक है, 5 तक है, तो आउटपुट sp, 5 को छोड़कर, 5 को अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अब उसके बाद -7 से -3, यहां पर अब उस केस में नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू हो गई, -7 से -3 तक। अब ध्यान देना मेरी बात कि यहां पर फॉरवर्ड, ये जो बैकवर्ड इंडेक्स भी यूज हुआ है, -7 इंडेक्स कौन सा है, ये, और -3 इंडेक्स कौन सा है, ये। तो उस केस में -7 से -3 तक IBIL ये आउटपुट आएगा, और वो भी कहां से, लेफ्ट टू राइट ही आएगा, क्योंकि स्टेप साइज तो डिफॉल्ट काम कर रहा है यहां पर। स्टेप साइज डिफॉल्ट क्या काम कर रहा है, +1 का। -7 में +1 किया तो -6 बी, -6 में +1 आई, -6 में +1 -5, -5 में +1 -4, तो IBIL -7 से -3 तक इंडेक्सिंग जो है IBIL। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? मंजू लिख रही है स्टॉप इज मैंडेटरी, नो स्टॉप मैंडेटरी नहीं है बेटा। यदि यहां पर मैं एक बार चेक कर लूं, और भी कुछ कमेंट मेरे से मिस हो गए क्या? हाँ, इसमें स्टॉप मैंडेटरी नहीं है, यदि आपने स्टॉप मेंशन नहीं, एग्जांपल मिलेगा इसमें तो आपको पता लगेगा, तो स्टॉप मैंडेटरी नहीं है बेटा। ये मंजू का क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि स्टॉप मैंडेटरी नहीं है, यदि नहीं लिखा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या अप टू लास्ट तक काम करेगा। तो देखिए, जैसे ये यहाँ पे स्टार्ट मिसिंग है, 0 से 14, 14, 0:14 में उस केस में क्या होगा, विल रिजल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट, क्योंकि स्टार्ट मिसिंग है तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 से लेके 14 तक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि आर से शुरू हो गया और कहां तक, वाई तक।
उसके बाद नेक्स्ट 0 5, तो अंडरस्टूड है 0 to 4 ही देगा। 0 to 4 मतलब ये आर ई ओ, ये मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूँ। 0 to 5, 5 लास्ट इंडेक्स मेंशन है, तो आउटपुट में आर ई सी एस पी, यहीं तक आर ई एस पी ओ, यहां तक आउटपुट आएगा क्योंकि 0 to 5। इसी में आगे मेंशन किया हुआ है 3 कॉलन, तो 3 कॉलन में क्या होगा, 3 कॉलन जो है उस केस में स्टार्ट मेंशन किया हुआ है, एंड मेंशन नहीं किया, तो एंड मेंशन नहीं किया तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, एंटायर स्ट्रिंग पी ओ एन एस आई बी आई एल आई टी वाई। क्लियर हो रही बात? तो स्टेप साइज यहां पर ना तो स्टेप साइज मेंशन है ना स्टॉप मेंशन है, केवल स्टार्ट मेंशन है, स्टार्ट 3 से, एंड मेंशन नहीं है, तो एंड मेंशन नहीं है तो उस केस में पी ओ एन एस आई बी आई एल आई टी वाई कंप्लीट आ गया, लास्ट वाला वर्ड 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टेप एंड स्टॉप है, तो स्टार्ट फ्रॉम 3 कहां तक, एंड तक, तो इसमें स्टॉप भी मेंशन नहीं था। ठीक है, अब इसमें ये एग्जांपल तो इस स्लाइड के यहीं पर फिनिश हो रहे हैं। इसमें एक कॉमन केस जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया वो देख लो, कि यदि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है तब क्या होगा। तो यहां पर देखिए बेटा, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब सिंपल सा है कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको इस बात को ध्यान देना है कि जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया 11 और यहां पे मेंशन किया 2, तब भी संभव है यहां पे आउटपुट आ सकता है। क्यों आ सकता है आउटपुट, क्योंकि इस स्टेप साइज को स्टार्ट में ऐड कर करके हम क्या स्टॉप तक पहुंच पा रहे हैं, आंसर यस है, तो यहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा है। 11 से -1 10, 10 से -1 9, 9 से -1 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और बात यहां पर भी अपर इंडेक्स में -1 होगा, मतलब उससे पहले तक, बस ये फर्क आएगा कि माइनस नेगेटिव इंडेक्स से स्ट्रिंग हमको रिवर्स ऑर्डर में आती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आसान कर लूं, पहले यहां पर केवल एक कॉलन लगा दो, इतना ही लिखने से क्या हो जाएगा, इतना लिखने से, केवल इतना लिखने से न तो स्टार्ट मेंशन है न स्टॉप मेंशन है, तो स्टार्ट 0 स्टॉप एंड तक लास्ट तक, और इंडेक्सिंग कहां से कहां तक, इंडेक्स तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही मेंशन नहीं है, स्टेप साइज मेंशन है वो भी नेगेटिव, तो इसका मतलब हमको आउटपुट में स्ट्रिंग जो मिलेगी वो कंप्लीट एंटायर स्ट्रिंग उसका रिवर्स मिल जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका सारे कैरेक्टर रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, वाई टी आई एल आई बी आई एस एन O P S E R, नहीं टाइपिंग में मेरे से मिस हुआ हो तो, हाँ यस करेक्ट, तो ये हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। क्लियर? यदि यहां पर -1 यूज हुआ तो इसका मतलब ये, अब टोटल एंटायर स्ट्रिंग रिवर्स, अभी इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, यदि यहां पर हमने मेंशन किया 8 और यहां पर मेंशन किया 2, तो उस केस में 8 और 2 तो कहां से शुरू होगा, इंडेक्सिंग 8 से लेके 2 तक जितने कैरेक्टर है, 2 से एक कम, बी आई एस एन ओ पी, बी आई एस एन ओ पी, आउटपुट विल बी लाइक दिस। क्लियर? तो बेटा अब ये इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में ध्यान रहे, अब इसमें -1 के बजाय -2 भी हो सकता है, यदि -2 हुआ तो उसके इसमें क्या होगा,
उस केस में फिर मैं फिर से बता दो, इसमें यदि यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है तो उस केस में आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं आईडीएलई पर, तो मैं इस लैपटॉप में एक्चुअल में से मैंने ट्राई किया हुआ है बेटा, आइडियली जो लिख रहे हैं थोड़ा सा उससे प्रोसेसिंग होने में या फिर कुछ कहीं, कल मैंने जब शुरू किया था तो रीस्टार्ट हो रहा था सिस्टम, शायद फेसबुक स्क्रीन शेयर का कुछ ट्रबल होगा उस वजह से। तो अब ये -2 के केस में क्या होगा, ये एक एक बीच के जो कैरेक्टर है वो हट जाएंगे तरीके से 8 से 2 तक विथ स्टेप साइज -2। 8 से शुरू करते हुए 2 -1 तक, तो ये बी, इसके बाद एस, उसके बाद ओ, आउटपुट वैल्यू है बी एस ओ, ये आउटपुट होगा। क्लियर? अब बिल्कुल सही है, आप रात में आंसर भी देते जा रहे हैं। ठीक है, रूपल, तनुदीप, निधि, उज्जवल, सारे काफी एक्टिव है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर बेटा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी आपके कहने के अनुसार लास्ट टाइम मैंने आइडियली स्टार्ट किया था, पर शायद कहीं स्क्रीन उसकी वजह से 2 बार सिस्टम बंद होना पड़ा और कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं वो रिस्क नहीं लूंगा फिर से, नहीं तो फिर बीच में इंटरप्ट होगा। अब कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और भी अब आगे जा रहे हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइसिंग के। और एग्जांपल, मेरी रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा कंप्यूटर में खुद भी बैठे जो जो दिमाग में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन टाइप कीजिए और उसका आउटपुट जनरेट कीजिए। हाँ, यदि किसी आउटपुट से आप आपको ऐसा लग रहा है कि वो आउटपुट क्यों आया, आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो तुरंत इसी वीडियो के कमेंट में पोस्ट कीजिए ताकि दूसरों को भी इस पर डिस्कस करने का चांस मिलेगा, तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा हमारा। तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट क्वेश्चन आ रहे हैं आइडियली में, आप भी ट्राई कीजिएगा और उसके बाद उनको अपने कमेंट में लिखिए और अपने हम सब आपस में उसको सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट कंफ्यूजन है, स्लाइसिंग को बहुत अच्छे, इसमें कोई भी एक हाफ हाफ मार्क भी नहीं छोड़ना हमको एग्जाम में बेटा। उसके बाद ये एक लंबी सी लिस्ट सामने दिख रही है फंक्शन, हालांकि ये इस सारे फंक्शंस अलग अलग हमने किए हुए हैं, एक बार गो थ्रू कर लें, ये सारे भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो जरूरी रहेंगे उनकी लिस्ट है, तो देख लीजिए एक बार ताकि इनका हम आगे कहीं भी प्रोग्राम में यूज कर पाए। कैपिटलाइज फंक्शन जो है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को क्या करेगा। सपोज हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू स्मॉल लेटर में वेलकम है, जब आप स्ट्रिंग को फिर से इस फंक्शन के बाद रन करेंगे तो वेलकम का W कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल। अ सेकंड जो फंक्शन इसमें स्ट्रिंग डॉट फाइंड, फाइंड फंक्शन आगे एक प्रोग्राम में इनके यूज भी, ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर इनको छोड़ दूंगा, जस्ट अभी एक नेम माइंड में रखिएगा रिवीजन के लिए, बाद में कहीं ना कहीं बीच बीच में हम इसको यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार कमेंट देख लो आप लोगों के, ओके तनुदीप लिख रहे हैं कि उन्होंने साथ में आइडियली रन किया हुआ है, वेरी गुड बेटा, आप कंटिन्यू करते जाइए, हमारी सारी एक्सरसाइज को उसमें डाल के आउटपुट लेते जाइए और कमेंट में उनके स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं। गुड, वेरी गुड बेटा। अब सेकंड फंक्शन जो है स्ट्रिंग फाइंड, और किसी का क्वेश्चन कोई मिस हो रहा हो, ठीक, तनुदीप ने लिखा हुआ है क्वेश्चन, रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, मैं रिवर्स पे भी आ रहा हूँ। हाँ रुचि, हमको स्ट्रिंग की जगह सब लिखना होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रुचि, सारे जो फंक्शन है इसमें स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग वेरिएबल नेम लिखना होगा, एक देख लेते हैं बाकी फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे।
जैसे यहां पर एक आपके सामने मैं टाइप कर देता एग्जांपल, एस टी आर इक्वल वेलकम, प्रिंट एस टी आर डॉट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैपिटलाइज, तो उस केस में शो स्ट्रिंग वेलकम लाइक, ये तरीका भी हो सकता है इस फंक्शन को यूज करने का, ठीक है। तो इस तरीके से सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, इनको डिटेल में आगे भी देखेंगे। जस्ट अभी मेरा पर्पस ये है कि आपको इसकी नेम लिस्ट माइंड में हो जाए, ताकि हम डायरेक्ट फिर प्रोग्राम में इसका यूज कर पाए, तो इनका पूरी डिटेल में इसका यूज भी समझ में आ जाएगा। फाइंड एक स्ट्रिंग में सर्च करता है किसी अदर स्ट्रिंग की अपेयरेंस को। अभी लास्ट 11 क्लास में दो तरीके से इसने पाइथन में यूज किया है फाइंड फंक्शन, और वैसे ही हम स्ट्रिंग सर्च करते हैं, MySQL में भी सर्च करने के लिए हमने फंक्शन यूज किए थे कि कोई स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग सर्च करना, तो वैसे ये फाइंड फंक्शन उसी तरीके से कि सपोज वेलकम स्ट्रिंग है, उसमें हमको सर्च करना एम कहां पर है, तो वेलकम में एम कहां पर के लिए ये फाइंड फंक्शन जब लगाएंगे हम, तो एस टी आर डॉट फाइंड ब्रेकेट में पास कर देंगे एम इन्वर्टेड कोट्स में। इंडेक्स, ये इंडेक्स फंक्शन भी उस सर्चिंग से रिलेटेड, इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग जो फर्स्ट ऑकरेंस होगी उसको शो करेगा। इज एलनम, ये भी क्लास 11 के फंक्शन है, इज अल्फा न्यूमेरिक चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फाबेट्स चेक करना उसके लिए फंक्शन है इज अल्फा, डिजिट चेक करने के लिए इज डिजिट, स्ट्रिंग लोअर केस में सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में है तो उसके लिए यूज होता है इफ इज लोअर, इज अपर यदि सारे कैरेक्टर अपर केस में तो रिटर्न करेगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर के अलावा एसटीआर ज्वाइन भी है, इसका यूज भी वैसे ही होगा, इसमें एसटीआर वन डॉट ज्वाइन एसटीआर टू मेंशन होगा। स्ट्रिंग लोअर रिटर्न लोअर केस स्ट्रिंग, और इसके अलावा डिपेंडेंट फंक्शन वो है ओआरडी रिवर्स्ड एंड स्लाइस। लेन फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए, कितने स्ट्रिंग में वो काउंट करता है, किसी कलेक्शन के लिए अप्लाई होता है। एक्चुअल में लेन बहुत कॉमन फंक्शन है, स्ट्रिंग कलेक्शन पे एप्लीकेबल है। और उसके बाद ORD, ORD बहुत यूजफुल फंक्शन उसके लिए कि जब कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर है हमको उसकी यूनिकोड पोजिशन पता करना है, उसकी यूनिकोड वैल्यू पता करना है, तो उसके लिए यूज होता है ORD। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई कैरेक्टर यूनिकोड चार्ट आपने क्लास 11 में देखा होगा, तो उसमें हर कैरेक्टर हर अल्फाबेट के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू एक कोड असाइंड है, तो वो यूनिकोड वैल्यू यदि एक्सेस करना हो तो उसके लिए यूज होता ORD। रिवर्स्ड एक्चुअल में स्ट्रिंग का ही फॉर्म, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है कि उस कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में शो करने के लिए कलेक्शन जहां पे भी लिखा बेटा रिटर्न रिवर्स इटरेटर ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस या कलेक्शन जहां से लिखा है, मतलब जहां पर भी एलिमेंट्स जैसे लिस्ट टपल इनके एलिमेंट्स या स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करने के लिए रिवर्स। स्लाइस क्रिएट अ स्लाइस ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय रेंज, तो हम जो यदि किसी स्ट्रिंग या किसी कलेक्शन का एक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए यूज होता है स्लाइस। थोड़ा सा ये लिस्ट को अप्लाई करके देखेंगे तो और क्लियर होगा, तो मैं इसको अभी यहां पर क्योंकि टाइम की वजह से ये लिस्ट अभी पूरी नहीं हो पा रही, हम इसको बीच में विद एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा क्लियर तब हो जाएगा। अभी जहां तक मेरे को लगता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे यही टॉपिक स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस के बाद हम थोड़ा सा आगे लिस्ट टपल करेंगे और ये फंक्शन को भी डिटेल में एक एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर अभी ये टाइम अपना क्लास का फिनिश होने जा रहा है बेटा, तो मैं इनके आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड कराऊंगा।
बिल्कुल श्योर रहिए, मैं कमेंट में देख रहा हूँ। गिव एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइन रिवर्स, ये सारे फंक्शंस के एग्जाम्पल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम पहले इनके एग्जाम्पल देख के आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।